हेलो। हाँ मैडम। हाँ, तहसीलदार कॉलरस बोल रही हूँ। किसको हाँ जी, फोन नंबर दिया मेरा? वो किससे क्या कहलवा रहे हो? क्या आरोप लगा रहे हो झूठे? कौन? हाँ मैडम, मैं झूठा कहाँ आरोप लगवा रहा हूँ? तो क्या आरोप आरोप क्या लगा रहे? पहले मुझे ये भी तो पता हो, आप मुझे जानते हो? हाँ जानता हूँ ना, आपने मुझे गाड़ी में बिठाया, मेरे घर के सामने से ट्रैक्टर उठाया, आपने 30,000 रुपए लिए। अच्छा, कब की घटना है ये? कितने बजे की घटना है? अभी 5:05 से 5 यानी 4:54 से लेके और 5:30 तक के बीच में। 5:30 तक की? ठीक जी है। वो ट्रैक्टर कौन सा था आपका? क्या एसी क्या नंबर था उसका? नंबर नहीं है, नीले कलर का ट्रैक्टर था, बिना नंबर के ट्रैक्टर चला रहे थे आप? अभी उस पे नंबर डला नहीं है। तो नंबर नहीं, नया था कि पुराना था? क्या नया ट्रैक्टर लिया मैंने। हाँ भरे हुए थे? क्या जी, रखे हुए थे उसमें? आपको सब मालूम है, आपने मेरे नहीं घर नहीं पे मुझे मालूम होता तो मैं आपको कॉल थोड़ी लगा रही होती। मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ, आपने मेरे पे गलत आरोप लगाया है। क्या रखे हुए थे आप तो उसमें? आप साबित कर दोगे गलत लगाया है और मैं साबित कर दूंगा सही अरे लगाया। नहीं, मैं साबित करने बैठी नहीं हूँ। पहले मैं जान तो लूँ कि मुझे साबित क्या करना है। हाँ, क्या रखे थे उसमें? आपको मालूम है, आपने मेरे घर नहीं, पे आप रख के क्या पहले थे? आपके लोगों ने गाड़ी रोक के मना किया कि ट्रैक्टर यहाँ से ले जाओ, एक चक्कर ले जाओ, फिर मत आना। मेरे अच्छा, ड्राइवर को बोला, नहीं, बाद में उसमें आके रखा ऑफिस क्या था? में गाड़ी में क्या था? गेहूं भरे थे? लाल मुरम थी। अच्छा, कहाँ से लाए थे लाल मुरम? सबके हम यहीं से लाए थे, सबके ट्रैक्टर चलते हैं। किस चीज से चलते? सबके बाद में आपके लोगों ने बोला सब किस चीज सेटलमेंट से करके चलते हैं चलते हैं? तो सबके, मुझे पता नहीं, आपके आदमियों ने बोला सबके आप चलना लाल है। मुरम कहाँ से लेके आए थे? खरई खरे रोड से, खरे के यहाँ से, खरई रोड में कहाँ से? आपको सब मालूम है, आप खुद ट्रैक्टर नहीं, मैं मोनिटर आपकी करके कथन देख रिकॉर्ड कर लीजिए। रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इस पे मैं अभी सुबह नोटिस जारी करूंगी। आपको आके गवाही देनी पड़ेगी भाई, हाँ आप बिल्कुल आरोप लगा बिल्कुल रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल है गवाही ना? दूंगा, तो कहाँ से लेके आ रहे थे आप? मेरी मम्मी गवाही देंगे, मेरी भाभी, मेरे मोहल्ले बिल्कुल वाले, बिल्कुल मेरे बिल्कुल बाजार बिल्कुल वाले, मेरे बिल्कुल। भाई। हाँ, फिर आप मेरे पैसे वापस कर दो, आपने नहीं, बोला। कहाँ से लेके आए थे आप? हाँ जी, खरई कहाँ से लेके आए थे? रोड से, हम कहीं से खरई के एरिया से लेके आए थे कहीं और से कहाँ से मेरे भाई, स्पष्ट बताओ। आप स्पष्ट नहीं है, आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी पदों वाले, गरीबों वाले पे लगाए, तो आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से आपको लेके आ रहे थे। आपको नहीं, सब मालूम है मैडम, आप बात मत आपसे बताइए, पूछ मैंने रही आपको हूँ मैं, फोन आप किया, बताइए ना, आप मैंने आपको फोन बताइए। किया, आपने मुझे गाड़ी में बिठाया, आप डीजल लेके आई हैं, कहाँ से पेट्रोल नहीं लेके नहीं आपकी आप गाड़ी में? बताइए हाँ ना। मैम, कहाँ से? आप, मैं बता रहा हूँ, आपने मेरे घर से ट्रैक्टर उठाया पुरानी चौकी के पास में। शिवपुरी के कुलारस के अरूनी पंचायत में आने वाले खराई से मुरम खदान से उत्खनन करके आ रहे ट्रैक्टर ट्राली को पकड़कर उसे छोड़ने के लिए 30,000 रुपए लेने के ट्रैक्टर चालक ने कुलारस तहसीलदार पर आरोप लगाए हैं। संबंध में चालक ने लुकपासा सरपंच एसडीएम कुलारस को फोन पर शिकायत की है। एसडीएम का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। खुरई रोड पर निवासी विक्रम राजावत ने बताया कि वो शनिवार की शाम को खराई खदान से मुरम ट्रैक्टर ट्राली में लाया था। कुलारस तहसीलदार ज्योति लक्ष्यकार अपने साथ 5 लोगों को लेकर मेरे घर पर आई। मुझे तहसीलदार ने अपने वाहन में बैठा लिया और ट्रैक्टर लेकर चल दिए। रास्ते में ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो गया। ये लोग मुझे पास में स्थित पेट्रोल पंप पर ले आए। यहां से तहसीलदार ने अपने वाहन में 1,000 का डीजल डलवाया। एक कैन में डीजल लेकर ट्रैक्टर में डीजल डाला। इसके बाद तहसीलदार व उनके साथ आए कर्मचारियों ने मुझसे ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में 50,000 की मांग की। बाद में 30,000 लेने के बाद तहसीलदार ने मुझे और मेरे ट्रैक्टर को छोड़ दिया। मामले में विक्रम ने पेट्रोल पंप सहित बाजार के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं, जिसमें तहसीलदार का वाहन, मेरा ट्रैक्टर दोनों दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित ने घटना के बाद लुकवासा सरपंच पति व भाजपा मंत्री हरिओम रघुवंशी के साथ एसडीएम कोलारस ब्रज बिहारी लाल श्रीवास्तव से शिकायत कर तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की है। नाम है विक्रम सिंह राजावत। आज आपका ट्रैक्टर पकड़ा था तहसीलदार मैडम ने, क्या पूरा मामला है? तहसीलदार मैडम, मेरे घर पे ट्रैक्टर भरा हुआ रखा था आके, और उसमें से तीन चार लोग उतरे, मैडम भी थी उसमें साथ में। उन्होंने बोला ये ट्रैक्टर किसका है? मैंने कहा मेरा है। तो कही इसको ले चले, हम थाने ले जा रहे हैं, इसको रास्ता करवाना है। क्यों? तो मैंने बोला मैम ऐसा क्यों, मैं तो घर के लिए लेके आया हूँ। क्या भरा था उसमें? उसमें लाल मुरम भरी थी। तो मैंने कही सर हम घर के लिए लेके आए हैं और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पे इतना पैसा। उन्होंने बोला ठीक है हम तुम्हारा ट्रैक्टर छोड़ देंगे, 50,000 रुपए दोगे। तो मैंने कहा साहब मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, मैं गरीब आदमी हूँ। तो बोला कि तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, गरीब कैसे हो तुम?
बाद में मैंने कहा मेरे पास पैसे इतने नहीं है मैडम, तो कि चलो बैठो हमारे साथ। उनके तीन लोग उतरे उसमें से, मेरा ट्रैक्टर उठाया उन्होंने, चाबी ली और खुद चालू करके और ले गए, और मैडम ने मुझे गाड़ी में अपनी में बिठा लिया। फिर बाद में मेरा डीजल खत्म हो गया ट्रैक्टर का, कहाँ पे, पुरानी चौकी के, पुलिस चौकी के पास मार्केट में जाके, तो वो मुझे गाड़ी में बिठा के पेट्रोल पंप लेके गए, और उन्हीं की गाड़ी से, तहसीलदार मैडम साथ में थी, उन्हीं की गाड़ी से वहां से पेट्रोल पंप से बाल्टी ली, और बाल्टी लेके उसमें डीजल लेके आए, और डीजल लेके आके मेरे ट्रैक्टर में डीजल डाला, तो चाबी नहीं थी मेरे पास, ड्राइवर के पास थी, तो चाबी नहीं थी, उसका लॉक तोड़ दिया उन्होंने, लॉक तोड़ के डीजल डाला। अब डीजल डालने के बाद में फिर ट्रैक्टर स्टार्ट करके ले गए, और फिर कहने लगा पैसे की जल्दी व्यवस्था करो, तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है, कहते नहीं तो रास्ता हो जाएगा, तो मैं मेरे दोस्त विकास गोयल के पास गए भाग के, उससे पैसे लिए मैंने, 20,000 थे उसके पास, उसने बेचारे ने 20,000 दिए, हाँ मैंने 20,000 दिए, तो वो कहने लगा नहीं 30 में पटाते हैं, 10 और लेके आओ। तो मैं जल्दी से भाग के गया दुर्गेश सोनी जी के पास, उनके पास मैंने बोला सर मेरा ट्रैक्टर पकड़ लिया है, मैं तहसीलदार मैडम जी ने और वो पैसे मांग रही हैं, तो मेरे पास 10,000 कम कर रहे हैं, आप दे दो। तो उन्होंने बोला क्या गारंटी है, मैंने कि मैं अपनी मैसेज की कुछ रकम वगैरह रख जाऊंगा आपको, थोड़ा जल्दी में दे दो। उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए, फिर मैंने जाके उनको 30,000 रुपये दिए, फिर उन्होंने वहां से मेरा ट्रैक्टर आगे किया, और दैदा चौरा के पास में रामू काका के कांटे के पीछे होटल है, उस होटल पे ट्रैक्टर छोड़ दिया, वहां से मेरी अपाचे बाइक ली उन तीनों ने, और पेट्रोल पंप पे गए, वहां पे मेरी बाइक छोड़ी, और जाके पेट्रोल पंप पे वो तहसीलदार मैडम मेरे को साथ में ले गई थी, मेरे से बोली अब मेरी गाड़ी में 1,000 का डीजल और डलवाओ, मेरा डीजल यहाँ तक का भरा है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा कोई पैसा नहीं है, तो कही तुम्हारी इतनी तो बात रह जाएगी, ये लोग डाल देंगे उधार में। तो मैंने वहां पे उधार में 1,000 के डीजल डलवाया उनकी गाड़ी में, और फिर वो लोग मेरी गाड़ी से आके और एक गाड़ी में बैठ के उनके बाउंसर 5 लोग थे साथ में, और निकल गए, और मेरा ट्रैक्टर वहीं छोड़ गए। आपने इसकी शिकायत अभी कहीं की है क्या? जी मैंने शिकायत तो नहीं की, लेकिन हमारे सरपंच जी को बताया, हरिओम रघुवंशी जी को, तो उन्होंने कहा मैं सिंगारई हूँ भाई, और मैं सिंगारई से आऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, तो जब तक कि वो मैडम ने मेरे साथ पैसे ऐसे के लेके सुलटा के वो निकल गए, और फिर मेरे से